हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ प्रियंका योर इंग्लिश ट्रेनर दोस्तों आज के लेसन में मैं आपके लिए लाई हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आइए जानते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में सबसे पहले इसकी पहचान इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस हमें यूज़ करना है जब भी आपके सेंटेंस में से रहा था से रहे थे से रही थी आ जाए तो आप इस टेंस को यूज़ करेंगे और इस टेंस में कोई ना कोई टाइम ज़रूर दिया होता है फॉर एग्जाम्पल वह सुबह से खेल रहा था हम दो घंटे से गाने सुन रहे थे लाइक दिस और राइट सबसे पहले हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस आइए जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका रूल सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट उसके बाद इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड है आफ्टर देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है और ये कहाँ यूज़ किया जाता है सिंस हमेशा यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर आप यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं ही हैड बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग वह सुबह से खेल रहा था यहाँ मैंने सिंस यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है We have been running for टू hours. हम दो घंटे से भाग रहे थे यहाँ पर मैंने फॉर यूज किया है क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस आइए जानते हैं नेगेटिव sentences में इसका रूल सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट उसके बाद हैड उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस वो आपकी फसोन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर आइए इसका का एग्जाम्पल देखते हैं ही हैड नॉट बिन प्लेइंग फॉर टू आवर्स वह दो घंटे से नहीं खेल रहा था नेक्स्ट वन इज दे हैड नॉट बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग वे सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे और राइट नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आप सभी जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या वह सुबह से खेल रहा था क्या वह दो घंटे से चाय पी रहा था आइए इसका रूल देखते हैं सबसे पहले आप यूज़ करेंगे हैड आफ्टर देन सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फोर एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू विल यूज़ क्वेश्चन मार्क विच इज़ नोन एज साइन ऑफ इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क आप जरूर यूज़ करेंगे आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हैड ही बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्या वह सुबह से खेल रहा था हेड यू बिन स्टडिंग फॉर टू आवर्स क्या तुम दो घंटे से पढ़ाई कर रहे थे हमारा अगला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस और राइट इसका रूल है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आय जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हेट ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा था नेक्स्ट है डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंसेस दोस्तों डब्ल्यू एच फैमिली वो होती है जिसमें सभी वर्ड्स डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉट वेन वेयर वाई विच एटसेट्रा ऑल राइट सो so, इसमें आप सबसे पहले डब्ल्यू एच मतलब कि क्या कौन कब कहाँ कैसे की इंग्लिश लिखेंगे आफ्टर देन हैड जो स्टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बीन वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं वह सुबह से कहाँ खेल रहा था वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन प्रेस करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन